दोस्तों आयुष्मान कार्ड की बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जहाँ पर दोस्तों सिर्फ आधार कार्ड से अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। चाहे लिस्ट में आपका नाम हो या फिर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आधार कार्ड से ही अपना आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में अपना इलाज करा पाएंगे सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक है, तो कैसे दोस्तों आधार नंबर से यानी कि आधार कार्ड से अपना आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूं इस नए पोर्टल की। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों आधार कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है बेनिफिशियरी NHA। यह लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला लिंक आ जाएगा PMJAY बेनिफिशियरी पोर्टल। ठीक है, तो इसी लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आयुष्मान कार्ड का जो ऑफिशियल पोर्टल है इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा हुआ है, अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। अब लाभार्थी को अपने आयुष्मान कार्ड को आयुष्मान ऐप की सहायता से स्वयं बना सकते हैं या फिर आप पोर्टल से भी बना सकते हैं। 5 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पर मुफ्त इलाज मिलेगा। ठीक है, तो अब अपना आयुष्मान कार्ड सिर्फ आधार कार्ड से बनाने के लिए लिस्ट में नाम हो या फिर ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ये जो बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन दिया है इसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया है इसे यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, जिसके बाद दोस्तों इसके जस्ट नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। कोई भी मोबाइल नंबर आप यहां पर अपना दे सकते हैं, बस चालू होना चाहिए क्योंकि OTP आएगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद इस साइड यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है, जिसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, तो OTP को आपको यहाँ पर टाइप करना है और ये जो कैप्चा कोड है इसे आपको यहाँ पर टाइप करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आपको इस पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना कुछ भी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से एक नया पोस्टर यहाँ पर जो है लगाया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस पोस्टर में यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अब आप जो है आधार कार्ड से भी अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक जो है एज लिमिट रखी गई है कि वही लोग अपने आधार कार्ड से आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं जिनका जो एज है वो 70 साल से ऊपर है, यानी कि 70 साल हो या फिर 70 साल से ऊपर हो, वही लोग दोस्तों अपने आधार कार्ड से अपना जो आयुष्मान कार्ड है उसे यहां से बना सकते हैं और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। बिना मतलब कि लिस्ट में नाम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पर दिया क्लिक हेयर टू इनरोल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब लिस्ट में नाम हो या फिर ना हो, सिर्फ आधार नंबर से दोस्तों आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। बस आपका जो उम्र है वो 70 साल या फिर 70 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको Family ID भी पता है तो Family ID आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो कैप्चा कोड इसे आपको यहां पर टाइप कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर सारा डिटेल डाल लेते हैं, नीचे आपको यहां पर सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसी सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लिक हियर फॉर फ्रेश इनरोलमेंट ऑफ एज 17। ठीक है, अगर आपका जो एज है वो 70 है या फिर आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जिनका जो एज है वो 70 साल से ऊपर है तो आधार कार्ड से जो है आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर पूरा डिटेल नहीं आएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक हियर के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख लीजिए ऊपर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है PMJAY स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन ऑफ द एज ऑफ 70 ईयर्स और मोर, यानी कि 70 हो या फिर इससे ज्यादा हो। ठीक है, उसके बाद आसानी से आपका जो आयुष्मान कार्ड है ये बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने EKYC का ऑप्शन आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया कि हमारा जो लिस्ट में नाम है वो ऐड नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो है हमें जो है ऑप्शन आ गया है कि इनरोल हम कर सकते हैं, यानी सिर्फ आधार नंबर से, क्योंकि उम्र जो है 70 साल से ऊपर है तो यहाँ पर जो है हम इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर EKYC कैसे करना चाहते हैं, OTP से, फिंगरप्रिंट से या फिर जो भी है आईरिस स्कैन करके, तो सबसे बेस्ट होता है OTP, तो OTP को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है, वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने कंसेंट वाला पेज आएगा। ठीक है, तो इसे चाहिए तो आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और नीचे यहाँ पर अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है।
इस पे जैसे दोस्तों आप क्लिक कर देंगे, अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पे दोस्तों एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। और जिस मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया है उस पर भी एक ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पर दो ओटीपी आपको डालना पड़ेगा, आधार वाला ओटीपी आप यहाँ पर टाइप करेंगे और जिस मोबाइल नंबर से आपने इस पोर्टल पर लॉगिन किया उस पे जो ओटीपी जाएगा उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पर ओटीपी डाल लेते हैं उसके बाद आपका पूरा का पूरा आधार कार्ड से आपका डिटेल आ जाएगा, फोटो, नाम वगैरह, बस आपको जो है सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है सब कुछ वेरीफाई करके। अगर आपसे मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह पूछा जाएगा वो सब डिटेल आपको डालकर बस आपको फाइनल सबमिट कर देना है। सबमिट करने के 24 आवर्स में ही दोस्तों आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा और इसी पोर्टल से दोस्तों आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि कैसे आप अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से दोस्तों जो लोग सीनियर सिटीजन है जिनका उम्र 70 साल या फिर 70 साल से ऊपर है वो आसानी से अपना जो आयुष्मान कार्ड है उसे आधार नंबर से ही बना सकते हैं, लिस्ट में नाम हो या फिर ना हो, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।